थोड़ा वही राम के संबंध में बता दीजिए ना कि शिव जी कौन राम का नाम जपते हैं, राजा दशरथ के यहां जो राम हुए वह कौन राम है। यही बात एक बार कबीर साहब से दो चार लड़का ने पूछा, कहनो सब लड़का जहनो सब कुर्सी बैठे जो है करे ऐसे सब लड़का ने पूछ दिया, कबीर साहब जय बाबा इना वो सुने छो बड़का सत्संगी भ गेल आजकल। आजकल गांव में कोई बात होगा ना तो वही बात है बड़का सत्संगी, यही बात हो कहते के बड़का सत्संगी है अपना थर श्रृंग दे चली। बाबा पहले ये बताबो तो कौन राम का माने छो। कबीर साहब ने कहा कितने राम को जानते हो, कल के हम सुनने छौं चार राम, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर झूले, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा, चार हम के राम माने जो। कबीर साहब ने कहा हम तो बता देंगे लेकिन तुम अब पहले बताओ तुमको भी तो चार बाप है, चार बाप में कौन बाप को मानते हो। दो चार लड़का ने कहा बाबा तुरु एक फेज गायबे भ गेल छ, कत्ते बढ़िया से पूछ लिया तो की बोली दिलो। कबीर साहब ने कहा तुमको भी चार बाप है, दो चार लड़का ने कहा बताइए कैसे चार बाप है। कबीर साहब ने कहा एक बाप तेरे दादी के बाड़ू, तोरो दादी के बेटा के लगता, कल के पिताजी कल के गिनती करो, एक बाप तेरे दादी के बारो, एक बाप तेरे चाचा के भाई, एक बाप तेरे नाना के जमाई, एक बाप तेरे फुफा के सारू, चारों में किसको मानते। लड़का सबके कल के बाबा जब जोड़े छो न तो मिला जुला यके हो, कहा वही राम है, सोई राम घट घट में बोले, सोई राम दशरथ घर झूले, सोई राम जगत पसारा, सोई राम जग से न्यारा, वही राम। जो हवा हम लोग साइकिल के ट्यूब में देते हैं वही हवा स्कॉर्पियो के ट्यूब में भी है, वही हवा मार्सली में भी है, विचार क्या, वही हवा का नाक से भी सांस लेते हैं, वही हवा को मुंह से सांस लेते हैं, वह हवा जो पेट में ज्यादा भर जाए गैस बने जमाइन खेलो कर। चलिए सज्जनों वही हवा है, जैसे एक ही हवा, वही हवा है वो भी दे रहे हैं वही हवा है, पूरे जो हवा आवे वह हवा छू, ऐसे ही राम वही है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा हे भरद्वाज जो राम राजा दशरथ जी के यहां जो पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं वही राम ईश्वर है, और परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं ना तो लोगों को भ्रम होता है, भ्रम। जब शरीर धारण करते हैं तब उसको भ्रम होता है, शरीर धारण जब नहीं किए हैं तो उस भगवान को मानने में लोगों को भ्रम नहीं है। जैसे कोई आदमी घरों में रहे तो बहुत लोग के जे यहाँ की काम धंधा करे छे, हाँ यहाँ काम धंधा कर जे दिन भर ये नहीं कर यहाँ काम करे छे, वह आदमी जब मरी जे जी मैयो गे सब काम कर रहे सब ये काम कर, मरने के बाद तब कहते हैं सब काम करे रहे जिंता के देखिए यहाँ कोनो काम करे छे ये नहीं बैठलो। देखिए लोगों में यही भ्रम होता है, भगवान जब सगुण रूप में आते हैं तब लोगों को भ्रम होता है।
अभी देखिए, देश में प्रधानमंत्री बहुत हुए, बहुत आए, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी किए हैं आज तक, वह काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। विचार कीजिए, बहुत प्रधानमंत्री हुए लेकिन सब प्रधानमंत्री आए थे पेट भरने के लिए, परिवार को पालने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी आए हैं राम का काम करने के लिए। त्रेता युग में बजरंगबली हनुमान जी बोले थे, राम काजु किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। उसके बाद नरेंद्र मोदी ही बोले हैं 5 अगस्त को, राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। विचार सिर्फ नरेंद्र मोदी बोले हैं कि हम राम का काम किए बिना विश्राम कहां है। जो 500 बरस से पड़ा हुआ था, झंझट लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था मंदिर में, अब वहां जो है ऐसा मंदिर बनने जा रहा है। उस मंदिर को बनने में लगभग 3.5 बरस लगे। विचार कीजिए, तो जीवन में खाने कमाने के लिए, बाल बच्चा के लिए तो बैल भी आते हैं, बकरी भी आते हैं। बकरी की बाल बच्चा कनीटा रे जुदी एक बगलोस लोग खाइने जे जितवन यदि एक टोलो बकरी हो परिवार हो। चलिए, लेकिन सिर्फ इतना काम हम लोग भी करें, अब भगवान का भजन नहीं करें तो हम लोगों में और बकरी में क्या अंतर है। देह धरे कर यह फल भाई, अब भजी है राम सब काम बिहाई। चलिए, जीवन में सुंदर शरीर पाकर के हम लोगों को चाहिए भजन करना चाहिए। भजन करने के वाले के ऊपर कभी कभी विपत्ति भी आती है, इसलिए उसको घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति ही मनुष्य का असली संपत्ति है। विपत्ति में लोग जितना भगवान का नाम लेते हैं उतना सुख होने पर नाम नहीं लेते। भजन तजन हमारा कमी जो है बने लिया 70 बीघा जमीन, 70 बीघा तोरे बीच में पड़ान निकली जाए तब बेटा बहुत खर्चा करते, छोट टेलर कटिहारी लेते, कटिहारी के पूरी जिलेबी, पूरी जिलेबी मतलब पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खाए ले, यही ना तोर उस समय पूरी जीतू। जिलेबी का कहना है हम्मा घुमौआ घुमौआ बनो छु, खा के घूरी घोर जो उन्नत घूरी फरू यही घाटो में ये बेकर में हाई ले। विचार कटिहारी जाए छे, कटिहारी जाए मतलब की, कटिहारी जाए मतलब कि तटा अपनो जगह देखी आब हो, जहां जे भोज बादम वो जगह टेबल जाए छी, यह जगह छे। विचार कीजिए, कितनों भी जमा किए हैं बेटा घाटे पहुंचाते, तोरा खेतों में बहुत कम में आदमी जलवे, नहीं नहीं वहीं देवे झंझट हटी, आ जाओ खेतों को नाम जलेबो करते तो 2.5 सालों में हो जा फड़ी तोड़ी ताड़ी ज्योति मिलल। इसलिए जीवन में चाहिए सजनों, मनुष्य का शरीर मिला है हमें भजन करना चाहिए। भरद्वाज मुनि ने कहा, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहियो बुझाई कि पानी धीमो। याज्ञवल्क मुनि ने कहा, हे भरद्वाज मुनि, परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं तो लोगों को भ्रम होता है। आइए, हमारी मिथिलेश कुमार ग्राम तिनटेंगा दियारा से झल्लू दास टोला थाना रंगड़ा चौक जिला भागलपुर से बड़े उदार हृदय से 21 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं और हमारे गृहपति 101 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे भरद्वाज,
परमात्मा जब सगुण रूप में आते हैं ना, लोगों को भ्रम होता है। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, इसी तरह का भ्रम एक बार सती को हुआ। कब हुआ? त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजी ऋषि पार। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पार। त्रेता युग, आप लोग चार युग का नाम सुने हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग का आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष। कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष है कलयुग का आयु। कलयुग नाम क्यों पड़ा? कलयुग जिस युग में सास पतोह में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, ननद भौजाई में झगड़ा, गोतनी में, जतियारी में, यरियारी में, बड़ियारी में, भैयारी में, जिस युग में परिवार में रात दिन कलह कच कच हो, इसी को कहते हैं कलह युग यानी कलयुग। सास के ग्राह के जहां पुत हुआ संस ने लिया दे जी वो घरे के जे सास यखा एकटा सास कच कच कर जे बपद भी हा कर लको मोटरसाइकिल दलका मोटरसाइकिल बिचारी। जिस युग में रात दिन कलह कच कच हो उसे कलयुग कहते। सास मतलब जब पुतह सांस ने लिया दे। एक आदमी दुरागमन करी कौन लगे पत्नी घरों में दल के गेले पंजाब। बेचारी पुतहु कढ़ी बनिल के कढ़ी, कढ़ी में निमक बेसी पड़ गए, कोनो नापी नहीं दे। तो माय बहन के ओहनो दिमाग में बैठले कि जहनो हिसाब दे निमक की उस सेटिंग हो जाए। कभी कभी 19-20 हो जाए तो जरा से निमक बेसी पड़ी। सास के जे कढ़ी रोटी दल के खाए ला, बेचारी कढ़ी रोटी जे लेल के मुँह में निमक जे रहे बेसी, सास तो
पूरा महाभारत रामायण पढ़ी दिल तब मैया कहीं होते लूर ने सीखने रे निमक मारे गुस्सा में की करल के बेचारी थरिया उठा के पुता हुए पर फेंकी अरे खो बड़ा तो हिम निमक दल पुतहु कल के माय जी तनी टक गलती भ गेल तो बर्दाश्त नहीं करी छू न अभी हम नयान छे नहराम ओते नहीं बनबे उन बैठिए तनी टाइम मिस भ गेल तो फेंकी दलो। दोसरो दिन बेचारी फारूक कढ़ी बनल की बेजोड़ कढ़ी वही दिन सेटिंग होले निमक वो रोज बेचारी दल के परसी जे बूढ़ी जे ललक मुँह में फारू बिगड़े तब या कहनो बढ़िया बने ला वही दिन कौन चीज होलो यही नहीं बने थे नहीं खाती हाले नहीं खाबो फारू फेंकी दल। अब देखिए तो संसार में दुख जो है दो प्रकार की होती है, एक अभाव दुख दूसरा स्वभाव दुख। कुछ लोग स्वभाव के चलते दुखी, कुछ लोग बोली के चलते फजती होते, कुछ लोग बोली के चलते लपड़ थप्पड़ खाते। विचार किया देखिए आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है, ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का लक्षण है। देह हम ताकत नहीं है भर भर कर वहां दल के चार मुका मारा सकलो नहीं है भिड़ी लोग। इसलिए जीवन में चाहिए सज्जनों अपनी बोली को कंट्रोल कीजिए, प्रेम से बोलिए, प्यार से बोलिए, ठंडा से बोलिए, सोच करके बोलिए, कहीं बोली गलती नहीं हो जाए। पत्निये हैं तो पत्नी को नौकरनी मत समझिए कि इन्हें कर लें उन्हें कर लें दी है लगू, प्यार से बोलना चाहिए देवी जी भोजन में की देरी छे देवी जी देवी कहिए म्याज गदगदाइए दे जेते इन्हें ये कॉपी हम खाली देवी लिखलो रही जाए, बोलना भी चाहिए प्रेम से। पति के लिए पत्नी देवी है, नारी के लिए पति भगवान है, लेकिन भगवान वाला काम होगा तब न काम कीजिएगा भिगमंगा वाला दियन वही तो रखे नहीं दियन दी नहीं दल घंध मुई सिल्वर याग थरिया वह भगवान बनते खैनी मांगे वाला भिगमंगा। विचार की जीवन में चाहिए किस आदमी के हाथ में किस प्रकार का वायरस है नहीं है, किसी के हाथ से खैनी मत लीजिए खैनी मत खाइए, खाली जब याद लगेला से नहीं होता। विचार किया इन्हें खाली जब याद लगेले छे खैनी मंगी खेबे कर जहाँ खैनी दे छे लटबे छे आज तक नहीं सुनने वो हाथ धोने छे नटा पोछने छे कपार नोछने छे तुरंत हरेक से नहीं की हो धानों में यूरिया दे लोग ने हम तो कल ही दे दिया ठुकर लाऊं ठुकर। विचार क्या इसलिए जीवन में चाहिए कि सबसे पहले किस आदमी का हाथ पवित्र है नहीं है। बहुत आदमी अभी भी हाथ जो है साबुन से नहीं धोते हैं, मट्टी से काम चला लेते हैं, साबुन का प्रयोग जो है करना चाहिए। आइए बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की जय। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि परमात्मा जब शरीर धारण करके आते हैं पृथ्वी पर लीला करने तो मनुष्य को भ्रम हो जाता है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग में मनुष्य का लंबाई था 21 हाथ, देखिए सतयुग में मनुष्य का लंबाई था 21 हाथ
त्रेता युग में मनुष्य का लंबाई था 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। कहिएगा 1 लाख वर्ष? सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। माँ बहन जो कभी कभी लड़का को आशीर्वाद जो देती हैं कि जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाख बरिस, इस सतयुगे का आशीर्वाद न छो। मोदी सरकार एल हम पुरनका टका गेल हम लपका एल हम, लेकिन हुनको के ई जे छे आशीर्वाद ई पुरन के चली रहलो छे, अभी बदली नहीं होलो जे जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाख बरिस। चलिए, सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख वर्ष। क्यों? तो सतयुग में धर्म को 4 चरण था। धर्म को 4 चरण है, यानी 4 पैर। 4 चरण क्या है? सत, दान, दया, पवित्रता, ये धर्म का चरण। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र पत्नी को भी बेच लिया, अपना भी बीक गए तो बीक गए, लेकिन सत्य मार्ग पर डटे रहे। सतयुग सत्य दान। वही राजा हरिश्चंद्र के पीढ़ी में खानदान में राजा सीवी हुए थे, जो एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के मांस को काट करके दंगन कर दिया। ब्रह्मा जी और इंद्र राजा सीवी के यहां गया था परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी कबूतर बने, इंद्र ने बाज का रूप धारण किया, बाज कबूतर को खा लेते हैं। कबूतर का पीछा किया बाज बनकर इंद्र ने, ब्रह्मा जी कबूतर बने थे, कबूतर के बेश में ब्रह्मा जी सीवी के गोद में गिर पड़ा और कहा बाज हमें खा जाएंगे, मेरे प्राण का रक्षा कीजिए। सीवी ने कहा जब मेरे शरण में आई हो तो अब घबराने की बात क्या है। इंद्र ने कहा हे राजा, इंद्र ने बाज के रूप में कहा हे राजा सिवी, तू तो जग में धर्मज्ञ दानी कहलाते हो, मेरे भोजन को क्यों लेकर अपने गोद छुपाते हो। मैं क्षुधा से व्याकुल होता हूँ, तबीयत घबराई जाती है, दे दो कपोत छोड़ मुझे ये प्राण निकलती जाती है। इंद्र ने कहा हे राजा सिवी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कबूतर छोड़ दो, मेरा भोजन है। सीवी ने कहा नहीं, मेरे शरण में जब आ गया है तो कबूतर का रक्षा कर। चलिए जाय छेदिये वो करबे, इने हु नहीं रह जबे से न। अयो एक जगह ये नहीं उठी चलो अगले सब है, चारे टा बचले के लिए तो ही प्रेमी छो, चारों के लिए बाबा प्रेमी नहीं छो, जल्दी उसारो ई तिरपाल समय ठीक ले जबे, वही आसाम बैठलो। चलिए वही नो काम नहीं कर गए, बोले प्रेम से भक्त और भगवान की। चलिए राजा सीवी ने कहा नहीं, एक कबूतर नहीं दूंगा, मेरे शरण में आया है, मैं प्राण का बाजी लगाकर भी इस कबूतर के प्राणों का मैं रक्षा करूंगा।
इंद्र ने बाज बन करके कहा, नहीं मैं भी कई दिनों का भूखा, कबूतर दे दू। शिवी ने कहा, नहीं कबूतर कभी नहीं दूंगा, मैं अपने प्राण इस कबूतर के चलते दे सकता हूं लेकिन कबूतर नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी कबूतर बनकर राजा शिवी को धन्यवाद देने लगा। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जब आप मिल गए
जब आप मिल गई सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 कैसे लिखते? अभी जो कुछ लपका विद्यार्थी हैं, जगड़ा खाता भी पैसा हुई, उसको 1,00,000 लिखने के लिए नहीं आता है। एक लड़का पढ़े काबिल पूछलिए रे नो कौन क्लास में पढ़े छे? लड़का कहलिए बाबा क्लास में नहीं पढ़े छी, बरंडा पर पढ़े। विचार क्या 1,00,000? 1 दे करके 5 0 लगाइए बगल में, 1,00,000 आई। सतयुग में धर्म को 4 चरण, सत्य दान दया पवित्र। राजा शिवी को देखिए, इंद्र ने बाज बन करके कहा कबूतर को लौटा दो। शिवी ने कहा कभी कबूतर को लौटा करके नहीं दूंगा खाने के लिए। मांस खाने वाले चाहे पंछी हो चाहे मनुष्य हो, उसके हृदय में दया नहीं, वो कठोर है। अपने शरीर के मांस बढ़ाने के लिए जो दूसरे का मांस खाते हैं, समझ जाइए वो रावण दल का आदमी है। कीर्तन तो करते हैं राम का, लेकिन भीतर से रावण का काम करते। एकटा राम धुनी में देखे छे कवैया सब पगड़ी हिलाए मारे छे। देखिए पगड़ी हिलाए मारे छे, कखनी हिलवे छे
2 बजे दिन दू बजे हम सब न लड़े जे हमें जेबे मंडप में धम्मे आ 1:30 बजे छे रात तक कोई जाय नहीं तैयार छे। 1:30 बजे रात में रिटायर गवैया भेजे छे जोरे तो ही धर लड़के वह जे जाय छे खाली भात ही दे छे पटरी लगले कि नहीं लगले। हरे रंबो हरे रंबो 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आ 1:30 बजे रात आऊं है छे कृष्ण नहीं बोली के कृष्ण बोली दल के आ यह 2 बजिया माँ बोलो न हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण